नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं एक ट्रेडिंग सेटअप दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ उसको। ये पॉपुलर एक ट्रेड सेटअप है, इसमें इंटरडे ट्रेडिंग बहुत काम पे आएगा। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप लोग ये यूज़ कर सकता है। मैं इधर VWAP यूज़ किया है। ये में 5, 8, 13 का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। ये में 5, 8, 13, ये अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हटा देता है। और बोलिंजर बैंड ATR RSI MACD स्टोकास्टिक्स। देखिए इधर जब MACD स्टोकास्टिक RSI एंड वैप के ऊपर प्राइस गया, VWAP के ऊपर प्राइस गया और 5, 8, 13 के ऊपर भी प्राइस गया, ये अच्छा मूवमेंट दिया है। उसके बाद थोड़ा सा नैरो रेंज गया, उसके बाद फिर अप मूवमेंट दिया। इधर देखिए डाउन साइड में ये फिर डाउन साइड में भी ये VWAP के नीचे बोलिंजर बैंड मिडिल बैंड के नीचे और MACD RSI नीचे आ गया। और एक देखिए इधर ये अभी नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ब्रेकआउट एक पॉसिबल है। MACD ये नीचे जा रहा है, RSI में भी नीचे है और ATR भी डाउन साइड में है, तो इसमें ब्रेकआउट किसी भी दिशा में हो सकता है। इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और मेरा वेबसाइट में दिया हूँ, ये ट्रेड सेटअप आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोग ये आप लोगों को ये चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं होगा, तो उसमें से ही आप लोग ट्रेड कर ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इधर जो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये 30 डेज का है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब 30 डेज है, लेकिन ATR 14 ये 10 दिखा रहा है, ये 90% का नीचे है, तो इसमें पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है। और इधर देखिए EMA का क्रॉसओवर दिखाया मैंने, 5, 8, 13 का EMA क्रॉसओवर। EMA क्रॉसओवर देखिए इस आप साइड में दिखा रहा है, बोलिंजर बैंड का ये पोजीशन भी मिड बैंड का ऊपर है, MACD पॉजिटिव दिखा रहा है, RSI भी रेंज में है, इसको पॉजिटिव ये ब्रेकआउट जरूर होगा। तो इसको अब लोग इस ये ट्रेड सेटअप यूज़ कर सकता है। और जो लेवल मैंने देता हूँ वो लेवल भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल जाएगा और ट्रेंड भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। जब ट्रेंड में आप लोग ट्रेंड देखे आप लोग स्क्रीनिंग करेंगे तो इसको ये सब चीज़ अपने आप मिल जाएगा। इधर जो स्टोकास्टिक देखिए नीचे है, ये ऊपर गया है और इधर से आप लोग डाइवर्जेंस भी ट्रेस कर सकता है। देखिए MACD हायर हाई बनाया, प्राइस भी हायर हाई बनाया, तो मतलब ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन ये देखिए अभी ट्रेंड ये डाउन साइड में है और प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें पॉसिबल ब्रेकआउट होने का चांस है। मैंने ये 15 डे में देखा था, ये वन डे में देखिए देखिए ये कुछ टाइम नैरो रेंज में कर रहा है, ये मिडिल बैंड का ऊपर है,
प्राइस भी ऊपर है, तो